संसद में हाजिरी से लेकर अमृतसर में बॉर्डर बेल्ट के मामले उठाने में सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात का जिक्र अजनाला के गांव सराय में सांसद औजला के समर्थकों द्वारा हुई मीटिंग को संबोधित करते हुए युवाओं ने किया। उन्होंने कहा कि औजला इकलौते नेता है जो बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबकी पसंद है और उन्होंने बिना पार्टीबाजी के हर किसी की मदद की है। उन्होंने कांग्रेसी पार्टी से मांग की कि गुरजीत सिंह औजला उनके द्वारा किए गए कामों को देखते हुए उन्हें अमृतसर से दोबारा टिकट मिलनी चाहिए। सोचा उहदे विच अहीं डट के पहरा देवांगे, आने वाली इलेक्शन विच उन्हां नूं वध तों वध वोटां नाल जितावांगे। औजला साहब ने जो भी इत्थे काम कीता हरेक वर्ग इन्हां तों बहुत खुश आ, जिवें बार्डर पार दे किसान होण, चाहे तारों पार दे किसान होण, दरियाओं पार दे किसान होण, चाहे गुरु नानक देव हस्पताल दीआं जिहड़े मुश्किल ने मरीज़ ने उन्हां दी मुश्किलां होण, जां एयरपोर्ट संबंधी कोई मुश्किलां होण, जां स्कूलां दा जो भी माड़े हालत बिल्डिंगां सी उन्हां नूं दुबारा बणाया गया। तकरीबन लगभग पार्टी बाजी तो उपर उठ के जिन्हें भी लोग ने इन की पूरी सिफत कर रहे हैं, तो आने वाली इलैक्शन में असी वो तो वोटों नाल सरदार गुरजीत सिंह औजला चितावे, तो उन्होंने हक में असी दिन दार डट के मेहनत भी करा। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मैं बाबा नरेंद्र सिंह सराह, मैं बेनती करदा सरदार गुरजीत सिंह औजले ने बहुत इलाके च नेक काम किए ने, गरीबों वेड़ा बन्ने लाया है, गरीबों पार नंघाया है, तो इस तरह ही करते रहेंगे। सारी संगत वीह पिंडां दी इकट्ठी हुई आ, कृपा करे कि आने वाली वोटां वध तों वध उहनूं पा के जितावांगे। तो मैं कैप्टन साहब नूं बेनती करदा कि आने वाली टिकट जिहड़ी है गुरजीत सिंह औजले नूं दित्ती जावे। मैं गुरविंदर सिंह गोरा सग्गू अजनाला तों वार्ड नंबर 13 तों अज जिहड़ी मीटिंग रखी गई आ सरदार गुरजीत सिंह जी औजला वल्लों, तो उहनां दी जिन्नी भी यूथ आ इत्थे इकट्ठी हुई आ, लगभग 20 पिंडां दे नौजवान इत्थे इकट्ठे होए ने। तो जिद्दां कि अहीं ला लईए आपां गुरजीत सिंह औजला जी सारिया के विचरे ने, अज तक जिन्हें भी अमृतसर के एम पी आए ने कोई भी किसी इलाके दे विच आके खुश नहीं होया। तो जो अही एम पी गुरजीत सिंह औजला की गल करिए, कल कल बच्चे ना बच्चे ने, बजुर्गों ना बजुर्ग ने, नौजवानों ना नौजवान ने, इदा करके सारे स्कूलों के जिमें उन्होंने विकास की लहर चलाई आ, नशियां तो नौजवानों बचाया है, खेड प्रति उन्होंने जागरूक कराया नौजवानों। असी अज उन्होंने हक में खड़े हाँ।